फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनी। फ्रेंड्स, टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड वी आर डूइंग न्यूमेरिकल टुडे। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव अ गिवन अ न्यूमेरिकल एंड लेट्स रीड द न्यूमेरिकल एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दे रखा हुआ है फोर जॉब्स आर टू बी डन ऑन फोर मशीन्स। द कॉस्ट इन रुपीज फॉर प्रोड्यूसिंग आयत ऑन द जेथ मशीन इज गिवन बिलो इन द मैट्रिक्स। असाइन द जॉब्स टू ईच मशीन टू मिनिमाइज कॉस्ट। इस क्वेश्चन में हमें जो है ये दे रखा हुआ है कि हमारे पास फोर नंबर ऑफ जॉब्स हैं, फोर मशीन्स हैं, और इन जॉब्स का जो है हमें इस तरीके से असाइन करना है ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़े। तो हमें मिनिमाइज कॉस्ट करनी है, इस तरीके से हमें इसको प्लेसमेंट करना है। फ्रेंड्स, लेट्स डू द क्वेश्चन। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है मैट्रिक्स में वो बैलेंस की पोजीशन पे है। कैसे? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतनी ही जो है हमारी मशीन्स हैं, मींस जॉब्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स। सो सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि सिचुएशन बैलेंस्ड है असाइनमेंट प्रॉब्लम की। देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग डमी इन द मैट्रिक्स। सो लेट्स अप्लाई द हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड इज बेसिकली यूज टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो स्टेप वन इज as matrix is in balanced situation we will apply Hungarian method directly to solve assignment for this we need to select minimum cell number in each row and reduce each number of that row by that minimum selected number। First step में ये बोला गया है कि हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन मैट्रिक्स को हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स जो है सेम एज इट इज़ बना लेंगे। हमने पूरा पहले से लिख लिया हुआ है, आपको भी क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो आपको जब सॉल्यूशन करना होगा तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना लीजिएगा जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होगी क्वेश्चन मैट्रिक्स से।
अब क्या करना है इसमें कि हंगेरियन मेथड अप्लाई करना है, जिसमें कि हमने ये कहा कि पहला जो स्टेप है उसमें यही है, सिलेक्ट मिनिमम सेल नंबर। हमें यहाँ पे जो है मिनिमम सेल नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है, जैसे इस हर एक रो में, और बाकी जो नंबर है उस नंबर से, उन नंबर से जो है हमें सबको रिड्यूस कर देना है, मीन्स मिनिमम नंबर से सारे नंबर्स को रिड्यूस कर देना है। ये हमें हर एक रो में करना है, तो इसको हम जो है रो रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमने रो रिडक्शन कैसे करना है, मिनिमम नंबर जो है हमारा, जैसे इस रो में देखना है हमें पहले, तो हर एक रो में जो है मिनिमम नंबर क्या है, यहाँ पे इस वाली रो को देखेंगे 11, और 15 माइनस 11 इज आपका यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 11 ज़ीरो, देन 2, 4, यहाँ पे मिनिमम नंबर 12 है, तो यहाँ पर जाएगा 5, 0, 0, 1, यहाँ पे मिनिमम नंबर 10 इस वाली रो पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, 0, 4, यहाँ पे 11 मिनिमम है, तो यहाँ वाली टेबल पे आ जाएगा 2, 0 एंड यहाँ पे 6। तो ये जो हमें टेबल मिली हुई है, तो ये कैसे मिली हुई है, तो हमने यहाँ पे रो रिड्यूस किया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, कॉलम रिड्यूस करना है। स्टेप 2 जो होगा आपका वो क्या होगा, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे रो में हमने किया था, रीसेंट टेबल मिला हुआ है उसमें से आप जो मिनिमम नंबर होगा उसी से बाकी सब मिनिमम उसी से जो है आपको बाकी सारे नंबर्स को माइनस करके यहाँ पे लिखना है वर्टिकली। अब हमें देखना है मीन्स कॉलम वाइज, यहाँ पे 4 माइनस 4 0 1 0 1, 0 है यहाँ पे मिनिमम नंबर, और 0 से जो भी चीज़ माइनस की जाए या ऐड की जाए तो नंबर एग्जैक्टली सेम आ जाता है, मीन्स यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे भी 0 मिनिमम है तो कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 मिनिमम है तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1 रिड्यूस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 5। स्टेप 3 ड्रॉ मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, तो हमें ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, जीरोस जो है वहीं पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ पे इस वाली रो पे मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। नेक्स्ट लाइन जो है हमने ऐसे ड्रॉ कर दी 2, यहाँ पे भी जीरोस हैं, यहाँ पे भी 2 जीरोस लेफ्ट है, और यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर दी। ये देखना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ हुई, तो नंबर ऑफ लाइंस जो हम देख सकते हैं 4 लाइंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेप 4 सो नंबर ऑफ लाइंस आर 4
इक्वल टू कॉलम एंड रो नंबर्स. नंबर ऑफ लाइंस जो है वो नंबर ऑफ जो आपके रोज है और कॉलम्स जो है उनके इक्वल है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नाउ वी कैन प्लेस ऑप्टिमल असाइनमेंट. सो वी कैन प्लेस ऑप्टिमल असाइनमेंट. अब हम ऑप्टिमल असाइनमेंट प्लेस कर सकते हैं. ऑप्टिमल असाइनमेंट प्लेस करने का मतलब है इस तरीके से असाइनमेंट प्लेस करेंगे कि हमारा जो जॉब है वो मशीन्स पे जब किया जाता है तो कॉस्ट मिनिमम आती है. यही तो हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ कि हमें मिनिमम कॉस्ट जो है आइडेंटिफाई करनी है. तो हमें जो है यहाँ पे अभी वही करना है. अभी क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर्स हैं लिखे हुए इस टेबल पे, इनको एग्जैक्टली यहाँ पे हम लिख लेंगे 0101. ये आपको टेबल बना के रखनी होगी एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन. 2 0 0 3 0. ऑप्टिमल जो सिचुएशन होती है वो हमें ऑप्टिमल कब आएगा, जब नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, तभी हम जो है ऑप्टिमल सिचुएशन पा सकते हैं. अदरवाइज हमें जो है कुछ और स्टेप्स भी इसमें ऐड करने होते हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट को करने के लिए. अभी यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए बाय पुटिंग zeros in square shape. कैसे, क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमलिटी के लिए क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे जो है जीरोस हैं उनका हमें प्लेसमेंट करना है स्क्वायर, वहाँ पे हम पुट कर देंगे. कैसे, जैसे यहाँ पे जो है अब जो हमें देखना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पे प्लेस है वो हमें देखना है. जैसे यहाँ पे जो है एक जीरो है तो वहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे. इसका ये मतलब हुआ कि जैसे हमने स्क्वायर लगाया तो ये वाली जो कॉलम है ये हमारी इलिमिनेट हो गई है. ठीक है, एंड यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं इलिमिनेट रो एंड कॉलम टू गेट ऑप्टिमल असाइनमेंट. ये वाली आपकी कॉलम जो है इलिमिनेट हो गई, साथ में आपका जो है ये वाली कॉलम भी इलिमिनेट हुई है, रो इलिमिनेट हुई है. नेक्स्ट है आपका जहां पे अब मिनिमम होगा, तो मिनिमम अभी इसमें दिख रहा है हमें, यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू जीरोस अभी लेफ्ट हैं, तो यहाँ पे हम इस वाले को जो है सिलेक्ट करेंगे
इस वाले जीरो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे इसको सिलेक्ट किया है हमने, तो हमारा यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है वो इलिमिनेट हो गया, मीन्स अब हम इसमें दूसरा जो है स्क्वायर पुट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से हमने इसको भी इलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास मिनिमम जीरोस किसके पास बचे, यहाँ पे बचे इस वाली रो पे, तो हमने इस वाली रो को सिलेक्ट किया और इसमें जो ज़ीरो है उसको स्क्वायर से कवर कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी ये वाली जो कॉलम है वो इलिमिनेट हो गई है, और यहाँ से ये वाली रो भी इलिमिनेट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यही एक ज़ीरो बचा, तो मतलब लास्ट स्क्वायर जो प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये वाला कॉलम इलिमिनेट हुआ, और यहाँ से ये वाला कॉलम भी इलिमिनेट कर, सॉरी रो जो है इलिमिनेट हुई है। इस तरह से हमने देखा कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में हमें एक स्क्वायर का प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स ईच जॉब इज हैविंग वन मशीन। आप देख सकते हैं किसी को भी डुअल मशीन्स या डुअल जॉब नहीं मिली हुई है यहाँ पे, ईच मशीन इज हैविंग अ मीन्स ईच जॉब इज हैविंग अ मशीन। अब हमें क्या करना है, ये वजह जो है ये वाला जो मैट्रिक्स है इसे जहाँ पे स्क्वायर प्लेसमेंट हुआ है उसको हमें जो है क्वेश्चन टेबल से जो है इसको मैच करके देखना पड़ेगा, मींस यहाँ पे हम जो है ऑप्टिमल असाइनमेंट जो हम कर रहे हैं जो कि इस तरह से होगा, जॉब्स मशीन कॉस्ट। जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री और ये आपकी जॉब फोर। मशीन्स आपकी जो है जॉब वन पे जो है एम टू दे रखा है जहाँ पे स्क्वायर है, और एम टू पे जो है 11 का प्लेसमेंट है, 11 वहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम जो है एम टू मशीन टू और इसकी कॉस्ट कितनी है 11। नेक्स्ट है J2 जॉब टू पे M4 यहाँ पे 13 यहाँ पे J3 जॉब थ्री पे आपका मशीन वन और इसकी जो कॉस्ट दे रखी हुई है मशीन वन की वो है 14। नेक्स्ट लास्ट जो है जॉब फोर पे यहाँ पे आपका आएगा M3 और क्वेश्चन टेबल पे जो इसका दे रखा हुआ है M3 का 11 कॉस्ट दे रखी हुई है। अब हमें सबको ऐड कर लेना है, ठीक है, यहाँ सबको हमें ऐड करना है। ऐड करने पे हमें इसका जो कॉस्ट आया है वो 49 आया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट इज ₹49। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर कोई मुश्किल आती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे काफ़ी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।